खरीदा कह रही हैं ये बात कि जी मैं अपनी स्टोरी के साथ खड़ी हूँ, मैं कह रही हूँ मेरे सोर्सेस से बात हुई है, जर्नलिस्ट के सोर्सेस होते हैं, गरीदा हक बजाने में है ये बात कहने में, आप क्या किस तरह देखते हैं इसको? बिल्कुल जी, 100% हक बजाने पे। और जो जिस किस्म की कैंपेन गरीदा के खिलाफ चल रही है, अगर वो हक बजाने ना भी हो फिर भी वो इंतहाई घटिया और शर्मनाक किस्म की कैंपेन है। मैं सख्त लफ्ज यूज नहीं करता, लेकिन यहाँ पे मजबूरन मैं फील कर रहा हूँ कि मुझे ये यूज करने पड़ रहे हैं। तो जो लोग भी ये कर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। जहां तक ये ताल्लुक है कि शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ, मैंने तस्वीरें देखी, पर मसला ये है कि तस्वीर फोटोशॉप भी हो सकती है, इसलिए जरूरी है कि उस हवाले से कोई इंक्वायरी हो जाए, कोई उस हवाले से कमीशन बैठ जाए या सियासतदान या जो भी, वो जाके देखें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। यहाँ पे एक और इशू भी है खबर के हवाले से, जिस तरह आपने कहा कि क्या आपके ऊपर लोग शक करते हैं या आपके ऊपर तंज करते हैं कि आपका किसी से ताल्लुक है या झुकाव है, बहुत सारे लोग करते हैं, यकीनन आपके ऊपर भी करते होंगे, लेकिन दो चीजों को हम यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, एक है तज्जिया और एक है खबर। तज्जिया आप देते हैं जो आप समझते हैं कि जो आपकी राय है, जो आप उसको सही समझते हैं आप वो देते हैं, खबर के अंदर आपको फैक्ट्स बयान करने पड़ते हैं। पाकिस्तान के अंदर हालिया दिनों में अगर मैं आपको एक मिसाल दे लूं, मुख्तलिफ जगहों पर ये खबरें चली कि शहबाज गिल ने इतराफ कर लिया, उसने बता दिया कि इमरान खान इसमें मुलविस है। सीनियर सहाफियों ने इस हवाले से ट्वीट्स वगैरह भी की, आपको भी पता है ना उन्होंने इतराफ किया ना उन्होंने कोई इक्वाली इस किस्म का बयान रिकॉर्ड करवाया, लेकिन ये खबरें चली। तो यहाँ पे फिर जो है तनकीद भी होती है उसके ऊपर, कुछ लोग फिर नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं जो कतन जायज नहीं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में सहाफियों को लोग एक मुख्तलिफ नजर से देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होता यह है कि एक दिन आप सहाफी होते हैं, अगले दिन आप वफाकी काबीना में बैठे होते हैं, एक दिन आप सहाफी होते हैं, अगले दिन जनाब आप किसी इदारे के चेयरमैन बन के बैठे होते हैं, आप खुद ट्वीट करके बता रहे होते हैं कि मुल्क का जो सबसे स्ट्रॉन्ग इदारा है उसके चीफ की तैनाती के लिए भी मैंने लॉबिंग की थी। यहां पे सहाफी पावर ब्रोकर बन गए, जब वो ये अपना किरदार अवाम उनका देखती है तो फिर उसमें मेरे और आप जैसे और गरीदा जैसे बहुत सारे दीगर दोस्त भी रगड़े जाते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क करने की जरूरत है कि इसको कितना